हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी बुक व्याकरण भारती, रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और आज का सेशन ध्यानपूर्वक अटेंड करें। बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पार्ट 10 शब्द भंडार के टॉपिक विलोम शब्द के पेज नंबर 67 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने यह जाना कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो आओ बच्चों, आज हम अपने टॉपिक विलोम शब्द के पेज नंबर 68 पर दी गई एक्सरसाइजेस का अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक व्याकरण भारती का पेज नंबर 68 निकाल लें। यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज, सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द इन ऑप्शंस में से हमने ढूंढ के उन पर गोला यानी सर्कल लगाना है। जैसे फर्स्ट यश, यश यानी फेम। तो बच्चों, हमें यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे हल्का यानी लाइट, अपयश डी फेम, पुण्य गुड वर्क। तो यश का इन तीनों ऑप्शंस में से हमने सही विलोम शब्द ढूंढकर उस पर सर्कल लगाना है। जैसे यश का ऑपोजिट है अपयश। मैंने यहाँ आपको यहाँ पे फर्स्ट सर्कल करके दिखाया है, आपने भी इन शब्दों के विलोम शब्द इन ऑप्शंस में से ढूंढकर उनको स्वयं सर्कल करना है। जैसे लाभ यानी प्रॉफिट, धर्म रिलीजन, उठना स्टैंड, भारी हैवी, स्वतंत्र फ्री। आगे बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखो। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड्स हमें उनके सामने लिखने हैं। जैसे फर्स्ट दिन, दिन का विलोम क्या होता है रात। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लाइन के नीचे वर्ड को लिखा है, आपने भी इसी तरह से लाइन के नीचे ही सुंदर राइटिंग में वर्ड्स लिखने हैं। पाप सिन, शांत यानी काम, पुरस्कार रिवॉर्ड, शहरी अर्बन, आजाद फ्री, सही करेक्ट, गहरा डीप। आगे बच्चों, नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज, रंगीन शब्दों के विलोम रूप लिखकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर इन वाक्यों में हमें कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, उनका विलोम यानी उल्टा अर्थ ऑपोजिट वर्ड हमने रिक्त स्थान यानी ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे दिन में उजाला और डैश में अंधेरा होता है, यहाँ पर रंगीन शब्द है दिन। दिन का विलोम क्या होता है रात। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक सॉल्व करके बताया है, आपने भी इसी तरह इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के विलोम यहाँ ब्लैंक्स में फिल करने हैं। मैंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, एक भी डैश नहीं था। व्यापार में कभी लाभ होता है कभी डैश। कुत्ता पालतू जानवर है और शेर डैश। दुर्गम रास्तों की अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स तुलना, डैश रास्तों पर चला करो। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं, इनसे हमने सेंटेंसेस बनाकर यहाँ लिखने हैं। बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, आपने अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाकर यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वर्ड आजाद। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। नेक्स्ट वर्ड गुलाम। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो आपने अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों, आज हमने अपनी पुस्तक व्याकरण भारती के टॉपिक विलोम शब्द के पेज नंबर 68 का अध्ययन किया। आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझकर इनको खुद सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।